बाड़मेर शहर के बेरियों का वास स्थित एक रहवासी मकान में कुछ बदमाशों ने दो दिन पूर्व हमला बोल दिया। रविवार रात्रि बदमाशों ने एक रहवासी मकान के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे तोड़ने के साथ घर में घुसकर भी तोड़फोड़ की। वहीं पुलिस ने तीन बदमाशों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सोमवार शाम परिवादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने नामजद बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बाड़मेर शहर के बेरियों का वास स्थित एक रहवासी मकान में कुछ बदमाशों ने दो दिन पूर्व हमला बोल दिया। रविवार रात्रि बदमाशों ने एक रहवासी मकान के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे तोड़ने के साथ घर में घुसकर भी तोड़फोड़ की। घटना के दौरान आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और कोतवाली पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने तीन बदमाशों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सोमवार शाम परिवादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने नामजद बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वीडियो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह बदमाशों ने घर के मुख्य द्वार समेत खिड़कियों और घरेलू सामान को नुकसान पहुंचाया है। परिवादी कमल सिंह ने बताया कि रविवार को उसके बड़े भाई की शादी थी। शादी के बाद जब घर वापस पहुंचे और मेहमानों को खाना खिला ही रहे थे कि चार पांच बदमाशों ने उनके घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर तोड़फोड़ की। कोतवाली थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट सौंपी गई है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया है। वहीं शहर कोतवाल उगमराज सोनी ने बताया कि आपसी रंजिश के चलते तीन युवकों ने राय कॉलोनी स्थित एक मकान में तोड़फोड़ कर दी। दोनों पक्षों के बीच दो तीन बार झगड़ा हुआ है। पुलिस ने तीन युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार भी किया था। परिवादी सोनी देवी से प्राप्त रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसकी पड़ताल की जा रही है। पता नहीं ये देशांतरी करके कोई लड़के आवारा पड़ोस में रहते हैं, तो वो रात को 12-1 बजे मतलब पहले से प्लानिंग करके बैठे थे। ये हम जैसे अंदर बैठे थे तो ये रात को 1-1 बजे आके हमारे घर पे आ गए, हमला किया। क्या क्या कहाँ कहाँ तोड़फोड़ की, क्या नुकसान किया? मकान में तोड़फोड़ की और बाइक पूरी तोड़ दी, और एक अल्टो गाड़ी है वो भी पूरी तरह से तोड़ दी, और बाहर जोर जोर से गालियां निकाली, घर के अंदर आए, अंदर घुस के बाहर किया। उनके दो तीन बार लड़ाई झगड़ा हो रखा है। उमेश सिंह है जो थाने का HS है, और वो सामने वाले दिशांतरी, इनके आपस में पता नहीं किस बात को लेकर विवाद है, लेकिन इनका झगड़ा चल रहा है। पहले उन्होंने मारपीट की, फिर इसने उमेश सिंह ने की, फिर उमेश सिंह के साथ इन्होंने की। 23 तारीख को इसके मकान पे तीन जने देशांतरियों के लड़के गए वहाँ और मारपीट की और घर में घुस के तोड़फोड़ की, जिस संबंध में सोनी देवी ने एक रिपोर्ट पेश की, जिस पर मुकदमा दर्ज कर दिया है, और तीन जनों को हमने 151 में गिरफ्तार भी कर दिया था। अग्रिम तफ्तीश जारी है। आपको बता दें कि परिवादी सोनी देवी के पुत्र की रविवार को शादी थी। बेटे और बहू के स्वागत के बाद घर में मेहमानों को भोजन करवाया जा रहा था। आरोप है कि इसी बीच रविवार मध्यरात्रि से पूर्व चार पांच बदमाशों ने उनके घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर घर में तोड़फोड़ की और घर में पत्थर भी फेंके। फिलहाल पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।